कभी कभी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो मानवता को शर्मसार कर देती हैं। देवास में जिला सोनकच्छ से ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक शव को नगर परिषद के कर्मचारी कचरा गाड़ी में फेंकते नजर आ रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाला ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। एक अज्ञात शव जिसका कोई नहीं है, लेकिन क्या शव कचरा है? क्या जिसका कोई नहीं उसके शव का कोई सम्मान भी नहीं? कहां गई हमारी संस्कृति? क्या मानवता मर चुकी है? ऐसी मानवता को शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। मगर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, कैसे नगर परिषद के कर्मचारी एक अज्ञात शव को कचरा गाड़ी में फेंक रहे हैं। माना कि ये मुर्दा है, इसमें जान नहीं है, मगर ये शव एक मानव का है, कोई कचरा भी नहीं। कर्मचारी द्वारा लावारिस मानव शव से असंवेदनशील व्यवहार का प्रकरण संज्ञान में आया है। इस संदर्भ में संबंधित स्वास्थ्य प्रभारी को तत्काल अपने पद से हटा दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की साक्ष्यों और रिकॉर्डिंग के आधार पर व्यवस्थित तरीके से जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को यथोचित दंड प्रदान किया जाएगा। आपने इन तस्वीरों का एक पहलू तो देख लिया, अब हम आपको नगर परिषद के कर्मचारियों की दूसरी गलती भी दिखाते हैं। यह शव अज्ञात है, मृत्यु क्यों और कैसे हुई यह जांच का विषय है। इस शव का पोस्टमार्टम हुआ और चूंकि शव अज्ञात था, इसलिए नगर परिषद को इस शव को शमशान तक पहुंचाना था। मगर इस कोरोना काल में इतनी बड़ी लापरवाही कि शव उठाने वालों ने अपनी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं कर रखे हैं। एक के पास भी सुरक्षा किट नहीं है। क्या इनकी जान को खतरा नहीं है? क्या इन्हें संक्रमण का कोई डर नहीं है? क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, उसके बाद भी ऐसी लापरवाही सामने आ रही है। क्या दफ्तरों में बैठे आला अधिकारी किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।